सी अर्चिन डेवलपमेंट पढ़ेंगे भाई हम। सी अर्चिन क्या है? एक मेराइन ऑर्गेनिज्म है, स्पाइनी ग्लोबुलर टाइप का होता है हमारा। सी वाटर के अंदर ये मेनली हमारा मिलता है। और सी अर्चिन के अंदर हम लोग ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं कि योक और क्लीवेज कैसा होता है। सी अर्चिन के अंदर योक जो है वो माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल योक होता है, सॉरी एग होता है। माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल का क्या मतलब है कि वहां योक की कंसंट्रेशन जो है वो साइटोप्लाज्म से कम होती है, और आइसोलेसिथल का मतलब होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे उसका एग का टाइप, कि योक जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वहां पे होता है। तो जो क्लीवेज होती है एक सी अर्चिन के अंदर, योक अगर कम है तो वो पार्ट, वो एग हमारा क्या करता है, कंप्लीट डिवाइड होता है। तो होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होता है वहां पे। और अगर फर्टिलाइजेशन हम यहां स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सी अर्चिन के अंदर फर्टिलाइजेशन, एक इकाइनोडर्मेट्स ऑर्गेनिज्म है ये। फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन हमेशा यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में होता है। अब सी अर्चिन्स मिलता है हमें सी वाटर के अंदर, तो जो फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियोजेनेसिस भी जो है वो एक्सटर्नली होती है हमारी। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन बोथ आर इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कैसे होता है कि मेल जो है और फीमेल जो है दोनों क्या करते हैं, सी वाटर के अंदर अपने गैमेट को रिलीज करते हैं, और वहीं पे क्या होता है, एक मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ आज फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन जो है वो सी अर्चिन में कैसे होता है। एक मैमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, सेम ऐसा ही फर्टिलाइजेशन यहाँ सी अर्चिन के अंदर होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होता है, रेडियल पैटर्न होता है। लेकिन एक मैमल्स के अंदर रोटेशनल क्लीवेज पैटर्न होता है हमारा। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है एक सी अर्चिन या ह्यूमन बींग बोलो या आप मैमल्स कह सकते हो, उनके अंदर क्या है, हमारा फर्टिलाइजेशन वो मैक्सिमम जो है वो सेम होता है। अब फर्टिलाइजेशन एक डिफरेंस ये है कि वहां फर्टिलाइजेशन हमारा ह्यूमन बीइंग में इंटरनली होता है, लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में होता है। लेकिन कंप्लीट एक मेथड हम कह सकते हैं, एक जो प्रोसेस है वो टोटली सेम होती है हमारी एक ह्यूमन बीइंग की और सी अर्चिन के अंदर। कैसे डेवलप होता है हमारा, मान लो कि ये एक मेल सी अर्चिन है, ये मेल सी अर्चिन, ये एक फीमेल सी अर्चिन है, यहां फीमेल सी अर्चिन। फीमेल क्या करेगी, यहां पे अपना एग रिलीज करेगी। और बात अब ये आती है कि फीमेल के अंदर भी यहां जो एग होता है हमारा, वो हमारा एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही एग होता है। उस एग के अंदर इनर क्या थी हमारी, कॉर्टेक्स थी, और उसके बाहर क्या थी हमारी, उलेमा थी। यहां भी उलेमा होती है उसके आउटर में, और उलेमा के बाद क्या थी, पेरिविटिलिन स्पेस, और फिर उसके बाद हमारी वाइटलिन एनवलप। वाइटलिन एनवलप बोलते हैं हम इसको सी अर्चिन के अंदर, और ह्यूमन बीइंग में इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीनिशियस लेयर जोना पेलुसिडा। और इस जोना पेलुसिडा या वाइटलिन एनवलप के बाहर क्या होती है, ह्यूमन बींग के केस में क्यूमुलस लेयर होती है। यहां वो लेयर क्या होती है, एग जेली। एग जेली जो यहां काम करती है वही सेम वहां पे हमारी क्यूमुलस लेयर काम करती है, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये हमारा एक एग जो है वो यहां प्रेजेंट होता है। अब ये है मेल। मेल क्या देता है हमें, अपना स्पर्म देता है। मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करता है। स्पर्म जो है वहां, यहां पे क्या होगा हमारा, उसका एट्रीशन, ये उसका प्रोन्यूक्लियस। इस स्पर्म के अंदर यहां एक्रोसोम मेम्ब्रेन होती है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है हमारी एक्रोसोम मेम्ब्रेन, ये प्रोन्यूक्लियस। प्रो न्यूक्लियस
यहाँ पे एग का न्यूक्लियस, एग न्यूक्लियस, ये टेल पार्ट। अब बात ये होती है कि यहां किसी तरह का, जैसे कि हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब स्पर्म का सर्वाइवल देखा था ह्यूमन बीइंग के केस में, तो वहां हमने देखा था कि जब स्पर्म जो है स्थमस रीजन तक जाता है तो वो एक कैपेसिटेशन प्रोसेस करता है, एक कैपेसिटी को गेन करता है ताकि वो उस एनवायरमेंट में उस एग को फर्टिलाइज कर सके। लेकिन यहां एनवायरमेंट कैसा है, बाहर का एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। यहां ये स्पर्म कैपेसिटेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहां इंटरनली हमारा एनवायरमेंट जो है वो फीमेल का अलग नहीं है, यहां एक्सटर्नली डेवलप होना है उस प्रोसेस को हमें। तो यहां जब स्पर्म, ये मान लो कि आप सी वॉटर है, यहां पे कंप्लीट सी वॉटर है, ये इस सी वॉटर के अंदर जब यहां स्पर्म रिलीज किया जाता है तो इस स्पर्म का पीएच होता है, ये है स्पर्म, इस स्पर्म का पीएच जो है वो 7.2 होता है, पीएच जो है वो 7.2 है। कब है? जब ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर था, लेकिन जैसे ही इसे बाहर रिलीज किया तो इसका पीएच जो है वो 7.2 से 7.6 हो जाता है, और 7.6 जो है वो एल्कलाइन टेंप हमारा मीडियम बोल सकते हैं हम उस चीज को, क्योंकि वाटर, सी वाटर का पीएच ज्यादा होता है। तो जो स्पर्म बाहर आया वो अपना पीएच चेंज करता है। ये पीएच चेंज होने का फायदा क्या हुआ? जब ये पीएच चेंज होता है तो यहां जो स्पर्म के अंदर हमारा डायनिन प्रोटीएज होता है, यहां क्या है, डायनिन एटीपेज, यहां डायनिन एटीपेज है, एटीपी डिपेंडेंट है ये हमारा। तो एटीपी डिपेंडेंट है, एटीपी को हेल्प करके ये क्या करवाएगा? देखो भाई, जब स्पर्म इस मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर था तब तक वो मोशन लेस था, उसके अंदर कोई भी मोबिलिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही स्पर्म को बाहर रिलीज किया सी वॉटर में तो उसका पीएच चेंज हुआ। पीएच चेंज होने से क्या हुआ, एक डायनिन एटीपेज मोटर प्रोटीन होता है डायनिन, तो मोटर प्रोटीन एक्टिव हुआ। उस मोटर प्रोटीन के एक्टिव होने के कारण क्या हुआ, इस टेल के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हुई। लेकिन अभी तक ये एक सी वॉटर एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। इस स्पर्म, ये स्पर्म क्या है, अभी तक डायरेक्शनलेस है, इसको डायरेक्शन नहीं पता कि इसको मूवमेंट करनी कहां पे है। वो डायरेक्शन इसको कौन प्रोवाइड करता है, हमारा ये फीमेल एग। जो फीमेल एग में आउटर क्यूमुलस लेयर है जिसको हमने एग जेली का नाम दिया है, ये एग जेली हमारा एक केमिकल जो है वो रिलीज करती है, एक केमिकल जो है वो रिलीज करती है, इसको हम कीमोकाइन बोलते हैं। जो ये कीमोकाइन है, ये कीमोकाइन एक प्रोटीन पेप्टाइड होता है, रीसेक्ट प्रोटीन, ठीक है भाई, ये क्या रिलीज करता है, रीसेक्ट प्रोटीन। तो जैसे वहां पे क्या था, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक ओविडक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या था कि क्यूमुलस लेयर ने और कोरोना रेडिएटा ने प्रोजेस्टेरोन रिलीज किया था, तो उस प्रोजेस्टेरोन का एक ग्रेडियंट बना था जिसको हमने क्या बोला था, कीमोटैक्सिस ग्रेडियंट। उसी तरह से यहां एग जेली क्या करती है, रीसेक्ट रिलीज करती है। तो इस रीसेक्ट का क्या बनता है, एक केमिकल ग्रेडियंट बनता है। ये स्पर्म के अंदर होते हैं इस रिसेप्ट के लिए रिसेप्टर, तो इसका यहां क्या बनता है, रिसेप्ट ग्रेडियंट। इस रिसेप्ट ग्रेडियंट को हमारा ये स्पर्म जो है वो फॉलो करता है, मींस इस स्पर्म को क्या मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है। अब ये रिसेप्ट मॉलिक्यूल जो है ये यहां पे हमारा कह सकते हैं कि एक स्पीसीज स्पेसिफिसिटी का काम करता है। अब ये सी वॉटर एक्सटर्नल एनवायरमेंट है भाई, जरूरी नहीं है यहां पे कि एक ये स्पीसीज है तो वही स्पीसीज से ये स्पर्म कॉन्टेक्ट करे। अब सी अर्चिन की वहां पे दूसरी भी स्पीसीज हो सकती हैं या दूसरे भी स्पर्म हो सकते हैं हमारे वहां पे, तो एक चीज ये कह सकते हैं हम कि ये स्पर्म किसी दूसरे
सी अर्चिन की स्पीशीज से कांटेक्ट ना करे, इसलिए इसके लिए ये रिसेप्ट मॉलिक्यूल क्या करता है, एक स्पीशीज स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर सी अर्चिन की स्पीशीज अपना रिसेप्ट जो है उसके एमिनो एसिड की कंटेंट या ये कह सकते हैं वो अलग अलग सीक्वेंस होती है। तो रिसेप्ट के एमिनो एसिड सीक्वेंस अलग होने से सी अर्चिन की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाती, फर्टिलाइज नहीं कर पाती। तो रिसेप्ट जो है यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रिसेप्ट एक मॉलिक्यूल जो पेप्टाइड है ये 40 एमिनो एसिड का है, ये क्या करता है, एक स्पीसीज स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है, स्पीसीज स्पेसिफिसिटी, ठीक है भाई। और एग जेली, अब मान लो कि एक सी वॉटर के अंदर, अब बात आती है एक बार एग की, ये एग जो है इस बाहर के बाहर जो एग जेली है जिसको क्या बोला हमने, क्यूमुलस लेयर, ये क्या है, क्यूमुलस लेयर की तरह है। तो ये एग जेली एक और केमिकल्स, एक डिस्टेस्टफुल केमिकल रिलीज करती रहती है ताकि कोई प्रीडेटर इस सी वॉटर के अंदर इसको इफेक्ट या इसको डैमेज ना करे, ठीक है भाई। एक बार दोबारा से सुनो, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यहां पे क्या है, सी वॉटर। इस मेल ने उस फीमेल ने अपने अपने गैमेट को यहां रिलीज किया। अब बात मेल गैमेट की आती है, जब मेल गैमेट अपना स्पर्म रिलीज करता है तो मेल गैमेट में स्पर्म का पीएच होता है 7.2। जैसे ही सी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो ये पीएच जो है वो चेंज हो जाता है, 7.2 से 7.6 हो जाता है, एक एल्कलाइन कंडीशन आ जाती है इसके अंदर। अब जैसे ही एल्कलाइन कंडीशन आई, पहले ये स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मोशनलेस था, इसके अंदर मोबिलिटी नहीं थी मूव करने की। तो यहां 7.6 कंडीशन होने से एल्कलाइन मीडियम बना, ये एल्कलाइन मीडियम क्या प्रमोट करता है, एक डायनिन एटीपेज को एक्टिव करता है, और डायनिन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन जो स्पर्म टेल की मूवमेंट करवाता है और स्पर्म मूव करना स्टार्ट करता है। लेकिन अभी तक यहां स्पर्म को क्या है हमारा, डायरेक्शनलेस है, इसको डायरेक्शन नहीं पता कि इसको कहां मूवमेंट करनी है। ये डायरेक्शन इसको कौन प्रोवाइड करता है, इस एग जेली से जो केमिकल रिसेप्ट मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, ये रिसेप्ट क्या है, एग जेली ने रिलीज करवाया, ये केमिकल है यहां स्पर्म पे होते हैं स्पर्म मेम्ब्रेन में रिसेप्ट के लिए रिसेप्टर। तो इस एग जेली से यहां मेम्ब्रेन तक क्या बनता है, केमिकल का एक ग्रेडियंट बनता है, जो ग्रेडियंट कीमोटैक्सिस ग्रेडियंट बोलते हैं हम इस चीज को, कीमोटैक्सिस। जैसे ह्यूमन बीइंग में ये ग्रेडियंट किसका बना था, प्रोजिस्ट्रोन का, तो यहां बनता है रिसेप्ट का। तो रिसेप्ट ग्रेडियंट को फॉलो करके ये स्पर्म जो है यहां कॉन्टेक्ट बनाता है। अब बात ये है कि ये रिसेप्ट जो है इस स्पर्म को कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, वो चीज देखो भाई। अभी एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म के थ्रू ये रिसेप्ट जो है इसे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, कैसे वो चीज देखो। अभी यहां ये है हमारी एक स्पर्म मेम्ब्रेन, इस स्पर्म मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्ट के लिए एक रिसेप्टर है, और यहां इसी स्पर्म मेम्ब्रेन में एक चैनल प्रेजेंट है, कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल। ये है क्या भाई, स्पर्म मेम्ब्रेन, स्पर्म मेम्ब्रेन है, रिसेप्टर का नाम है रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज, गुआनाइल साइक्लेज। यहां ये रिसेप्टर है तो लाइगेंड बाइंडिंग साइट है, लाइगेंड बाइंडिंग साइट है। अब हम केमिकल किसकी बात कर रहे हैं, लाइगेंड क्या होगा यहां पे, एग जेली ने जो केमिकल रिलीज किया हमारा रिसेप्ट मॉलिक्यूल। तो जैसे ही ये रिसेप्ट मॉलिक्यूल हमारा इस मेम्ब्रेन से बाइंड करता है तो ये आरजीसी जिसको हमने रिसेप्टर गुआनाइल साइक्लेज बोला है, अब ये रिसेप्टर क्या हो जाता है, इस रिसेप्टर के अंदर इस लाइगेंड के बाइंड होते ही कंफर्मेशनल चेंज होते हैं, कंफर्मेशनल चेंज से एक गुआनाइल साइक्लेज है, ये गुआनाइल साइक्लेज है,
ये ग्वानाइन मॉलिक्यूल को जीटीपी को एक साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे जो जीटीपी है यहाँ पे, यहाँ इस जीटीपी को एक्टिव होने के बाद ये साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक जीएमपी एज ए सेकेंडरी मैसेंजर काम करता है। सेकेंडरी मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर क्या था? रिसेप्ट मॉलिक्यूल। अब साइक्लिक जीएमपी क्या है? एक सेकेंडरी मॉलिक्यूल। ये साइक्लिक जीएमपी क्या करता है? एक प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिव करता है। एक साइटोसोलिक प्रोटीन है, प्रोटीन काइनेज जी। इस प्रोटीन काइनेज है, काइनेज के अंदर क्या होती है? कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, और दो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है यहाँ पे। और कैटालिटिक एक्टिविटी का क्या मतलब है कि ये किसी भी हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल को क्या करेगा? काइनेज कैटालिटिक एक्टिविटी फॉस्फोराइलेट करेगा। तो ये क्या करता है? पीकेजी की कैटालिटिक एक्टिविटीज कैल्शियम चैनल्स को फॉस्फोराइलेट करती है। जैसे ही फॉस्फोराइलेट होता है, बाहर कैल्शियम कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, अंदर कैल्शियम कंसंट्रेशन कम होती है। तो इसके थ्रू हमारा कैल्शियम मॉलिक्यूल जो है वो अंदर मूवमेंट करता है। तो ये कैल्शियम मॉलिक्यूल होता है जो हमारे स्पर्म को एक्टिव करता है। उसे क्या करता है? एक डायरेक्शन, एक कीमोटैक्सिस ग्रेडियंट प्रोवाइड करने में हेल्प करवाता है। ठीक है भाई। कैश एक रिसेप्ट मॉलिक्यूल है जो स्पर्म मेम्ब्रेन में उसके रिसेप्टर आरजीसी से बाइंड करता है, जो जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। फिर पीकेजी एक्टिव होता है। पीकेजी की कैटालिटिक एक्टिविटीज कैल्शियम आयन को फॉस्फोरिलेट करती है, जिससे ये कैल्शियम आयन अंदर मूव करते हैं। और कैल्शियम आयन क्या प्रोवाइड करता है? इसे एक रिसेप्ट के थ्रू डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और डायरेक्शन प्रोवाइड की ताकि ये हमारा एग जेली तक मूव कर सके। अब क्या होता है, स्पर्म जो है उसको डायरेक्शन मिल चुकी है। डायरेक्शन किससे मिली? रिसेप्ट मॉलिक्यूल से। अब डायरेक्शन मिली तो वो कहां पहुंच गया? एग जेली के पास। तो अब एग जेली और स्पर्म मेम्ब्रेन का इंटरेक्शन कैसे होता है वो चीज देखो। इंटरेक्शन बिटवीन दी एग जेली एंड स्पर्म मेम्ब्रेन। अब मान लो कि ये है एक एग जेली, आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एग जेली। इसके अंदर क्या होती है? वाइटलिंग एनवलप। ये है वाइटलिंग एनवलप, और उसके भी अंदर हमारी उलेमा। ये उलेमा एग मेम्ब्रेन, ये वाइटलिन एनवलप, जिसको हम जोना पेलुसिला बोलते हैं ह्यूमन बीइंग के केस में। ये क्या है? एग जेली। अंदर वो सारी चीजें हैं। एग न्यूक्लियस है, एक एग सेल है। अब इस एग जेली के पास स्पर्म जो है वो मूव कर गया है, इसके पास पहुंच गया है यहां पे डायरेक्शनली मूवमेंट करके। अब जैसे ही इस स्पर्म का यहां स्पर्म का इसके साथ इंटरेक्शन होता है, जो रिसेप्टर यहां है, इस ये रिसेप्टर है, और यहां इस एग जेली पे एक कार्बोहाइड्रेट, सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट होता है। ये है हमारा सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट, लाइगेंड की तरह होता है इसके लिए कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या है? रिसेप्टर। प्लाज्मा जो स्पर्म मेम्ब्रेन है, इस स्पर्म मेम्ब्रेन में ये क्या है? स्पर्म मेम्ब्रेन में हमारा रिसेप्टर है, और उसके लिए लाइगेंड क्या है? सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट। और सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट में भी क्या होता है यहाँ पे? फ्यूकोज सल्फेट। तो जैसे ही इस रिसेप्टर और इस कार्बोहाइड्रेट का इंटरेक्शन हुआ, तो ये तीन प्रोटीन या तीन, हम ये कह सकते हैं, तीन तरह से फंक्शन करता है। ये अपने अंदर क्या करेगा? अपनी कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है भाई, वो चीज देखो एक बार। एक तो यहां पे ये क्या करता है, जैसे ही इसने कॉन्टेक्ट किया, ये कैल्शियम चैनल्स को एक्टिव करता है। ये है हमारा कैल्शियम चैनल।
फर्स्ट फंक्शन है इसका अपना, इस इंटरेक्शन का फंक्शन है ये, कैल्शियम चैनल ओपन, कैल्शियम आयन अंदर मूव करते हैं। सेकेंड फंक्शन जो है एक सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर को एक्टिव करता है, NHE, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, जिसके थ्रू हमारा सोडियम आयन जो है वो अंदर आता है और हाइड्रोजन आयन जो है वो एग मेम्ब्रेन में मूव करता है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। और थर्ड क्या होता है, थर्ड एक यहां मेम्ब्रेन बाउंडेड हमारा एक लाइपेज होता है, PLC, फॉस्फोलाइपेज सी। और फॉस्फोलाइपेज सी हम लोग सिग्नलिंग में भी पढ़ते हैं, बहुत जगह पढ़ चुके हैं, फॉस्फोलाइपेज है। लाइपेज का काम क्या होता है, किसी भी लिपिड को ब्रेक डाउन करना। अब यहां ये लाइपेज क्या करता है, जैसे हमने फास्ट स्लो ब्लो पॉलीस्पर्मी में भी देखा था, PLC जीटा हमारा स्पर्म देता है, वो क्या करता है हमारा PIP2 को IP3 और टैग में कन्वर्ट करता है। तो उसी तरह से ये PLC जो है, ये था इसका सेकंड फंक्शन, ये इसका थर्ड फंक्शन है। ये PLC क्या करता है, यहां मेम्ब्रेन बाउंड हमारा क्या है, सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन लिपिड है PIP2। इस PIP2 को IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और DAG डाइएसाइल ग्लिसरॉल दो लिपिड में तोड़ता है। यहां ये स्पर्म की चीजें हैं, ये क्या है स्पर्म मेम्ब्रेन है, स्पर्म का ये स्पर्म है सेल और ये एग सेल है। कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ये जस्ट मैंने क्या बताया है ऊपर, ये सिर्फ मैंने कॉन्टेक्ट बताया है कि कैसे वो कॉन्टेक्ट करता है। IP3 PLC ने क्या किया, PIP2 IP3 डैग में तोड़ा। अब ये क्या है, SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस IP3 के लिए यहां IP3 लाइगेंड गेटेड चैनल है, IP3 लाइगेंड गेटेड चैनल मींस कि SCR में जो IP3 है यहां मेम्ब्रेन पे एक लाइगेंड की तरह काम करता है और ये चैनल ओपन हो जाता है, तो SCR में कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो कैल्शियम आयन बाहर आता है, इस स्पर्म सेल के अंदर ही कैल्शियम आयन बाहर आता है। अब ये कैल्शियम आयन और कुछ कैल्शियम आयन यहां से आए, ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं हमारे, ये मान लो कि मैं अलग से बना रहा हूं भाई इस चीज को, ये एक स्पर्म है, ये एक स्पर्म है, इस स्पर्म में मैंने क्या स्ट्रक्चर बताया कि यहां हमारा क्या है प्रो न्यूक्लियस है और यहां एक्रोसोम मेम्ब्रेन है, क्या है ये एक्रोसोम मेम्ब्रेन। और ह्यूमन के अंदर भी हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि एक्रोसोम मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, एक्रोसाइम एंजाइम होते हैं, प्रोटीएज होते हैं। तो जैसे ही यहां कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये एक्रोसोम की मेम्ब्रेन इस स्पर्म मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज होने के बाद मतलब कि कैल्शियम आयन ने क्या करवाया यहां इस एक्रोसोम की एक्जोसाइटोसिस करवाई। कैल्शियम हमेशा एक्जोसाइटोसिस को प्रमोट करता है, ये चीज हम न्यूरोट्रांसमिशन में भी पढ़ चुके हैं, जब एक एसिटाइल कोलीन हमारा प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन पे क्या होता है फ्यूज करता है। तो फ्यूज हुई हमारी ये एक्रोजाइम या स्पर्म मेम्ब्रेन के साथ, तो ये एक्रोजाइम जो है ये बाहर आता है, और एक्रोजाइम बाहर आता है तो क्या होता है हमारा ये जो एग जेली है ये क्या हो जाती है यहां डिग्रेड हो जाती है। तो स्पर्म कहां मूव कर जाता है, वाइटलिन एनवलप के पास। दोबारा से सुनो एक बार इस चीज को, एक स्पर्म जो रिसेप्ट मॉलिक्यूल की हेल्प से एग जेली के कॉन्टेक्ट में आ गया, यहां एक रिसेप्टर है, इसके लिए यहां क्या है कार्बोहाइड्रेट एक लाइगेंड की तरह है, जैसे ही लाइगेंड और रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है तो इससे क्या होती है हमारा तीन फंक्शन या तीन प्रोटीन यहां एक्टिव होते हैं। सबसे पहले कैल्शियम चैनल एक्टिव हुआ जिससे कैल्शियम अंदर आया, ये अंदर कहां आ रहे हैं इस स्पर्म सेल के अंदर आ रहे हैं, यहां ये चीज दिखा नहीं सकते इस तरह से, लेकिन कैल्शियम आयन अंदर कहां आ रहे हैं स्पर्म सेल के अंदर आ रहे हैं। और यहां दूसरा फंक्शन क्या हुआ, NHE सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर एक्टिव हुआ, जो सोडियम को अंदर लाता है और हाइड्रोजन को बाहर छोड़ता है, सॉरी हाइड्रोजन को यहां सेल में मूव करवाता है और सोडियम को स्पर्म सेल के अंदर लेके आ रहा है।
तीसरा फंक्शन क्या हुआ, पीएलसी फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिव हुआ, जो PIP2 लिपिड को IP3 और डैग में तोड़ता है, जिससे IP3 SER पे बाइंड होता है और कैल्शियम आयन आयंस को बाहर लेके आता है। ये अंदर जो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, ये किसको प्रमोट करती है, हमारी एक्रोसोम मेम्ब्रेन के एक्जोसाइटोसिस को, ताकि एक्रोजाइम जो है वो बाहर आ सके। और एक्रोजाइम बाहर आते हैं तो इस एग जेली को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेशन हुआ तो अब स्पर्म जो है वो वाइटलिन एनवेलप से अपना कॉन्टेक्ट बना लेता है, ठीक है भाई। और सोडियम आयंस ये क्या करते हैं, इनकी वजह से यहां एल्कलाइन कंडीशन आती है, एल्कलाइन कंडीशन, ठीक है भाई। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन ये कैसे हुई, हमारे कैसे एक्जोसाइटोसिस हुआ, यहां एक्रोजाइम बाहर आए, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।